ओके गाइस सर, काफी देर के बाद एक नया वीडियो आ रही है और गाइस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिकली बात करिए तो प्री रजिस्टर्ड फ्री रिवॉर्ड के अंदर इतने सारे आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले, लाइक आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं वकोंग करेक्टर के करेक्टर, उसके साथ ही स्काइलर डी से आलोक बहुत सारे डायमंड्स के साथ यहाँ पे इमोट्स वगैरह, एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले ग्लोअल की स्किन, बहुत सारे वाउचर्स के साथ यहाँ पे कस्टम कार्ड एंड आपको लैम्बोर्गिनी की स्किन बिल्कुल फ्री देखने को मिल सकती है। तो आपको सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, साथ ही यही नहीं अभी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। सो बेसिकली गाइस आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है यहाँ पे पिंक डायमंड स्टोर, जी हाँ आपको पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर इतने सारे आपको रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। और गाइस यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच नहीं बल्कि अनलिमिटेड आपको पिंक डायमंड कैसे आप ले सकते हो ये एडवांस में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, तो याद रखोगे तो काम करेगा, क्योंकि जैसे ही आएगा वैसे ही फटाफट अप्लाई करोगे, क्योंकि आधे घंटे तक ये चीजें रहती हैं एंड उसके बाद अप्लाई करते हो तो भाई इनवैलिड बताता है। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, साथ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे फ्री में फ्लैग इमोट जो कि आपको देखने को मिलने वाला है, एंड उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट कोल्ट्रोल क्या हो सकता है वो देखने को मिलने वाला है, वो क्या होगा वो बेसिकली आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल देने वाले हैं, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे गिल्ड टोकन जो बेसिकली होता है उसके अंदर से कौन कौन से आइटम्स देखने को मिलेंगे इस बार उसके बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं। लगे हाथ यहाँ पे जो होली इवेंट बेसिकली आने वाला है, जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पे मैजिक क्यूब, जी हाँ मैजिक क्यूब देखने को मिलने वाला है, टीसी आलोक करेक्टर भी देखने को मिलने वाला है, सो उसके साथ यहाँ पे काफी सारे मैजिक क्यूब जो अनलिमिटेड दे सकते हो वो कैसे आपको मिलेगा, क्या यहाँ पे इवेंट का डेट होने वाला है वो चीज आपको बताने वाले, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ भाई लोग यार जितने भी लोग देख रहे हो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के सेलेक्ट जरूर करना, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आप सभी से बताया, क्योंकि इतने सारे फ्री का रिवॉर्ड्स आप सभी को आज के दिन में यहाँ पे बताने वाला हूं। जो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमेशन एंड एक ऐसे एनिमेशन वाले इमोट साथ ही बंडल के बारे में, जैसा कि यहाँ पे आप देख के मतलब अस्तब्ध रह जाने वाले, क्या ही इमोट है, मतलब किस तरीके का इसके अंदर अल्ट्रा लेवल का, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्री फायर के अंदर जो कोलैबोरेशन स्टार्ट होने वाला है ना, ये काफी तगड़ा वाला कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसके अंदर देख सकते हो इतना दर्दनाक ही वाला बंडल देखने को मिल रहा है, इसके इमोट्स एंड बंडल ऐसा लग रहा है भाई कि सच में पबजी वालों से उठा के लेके आया भाई, क्योंकि ऐसे बंडल्स पबजी वालों के अंदर है। अब बट बात करें तो यार पबजी वालों से भी काफी ज्यादा औसम नजर आ रहा है वाला बंडल, जिस तरीके से इसके अंदर एनिमेशन वगैरह डाले गए, आप इस बड़े बंडल को एंड उसके वाले इमोट को एनिमेशन को क्या बोलोगे, किस तरीके का बोलोगे, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ फ्री फायर के अंदर ये सारे रुख बदल देने वाला है, और आने वाले टाइम के अंदर फ्री फायर के अंदर इतने सारे अपडेट, इतने सारे चेंजेस आने वाले हैं, जिससे फ्री फायर के जितने भी सारे मतलब अनएक्टिव प्लेयर्स हैं वो सभी एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से अपडेट्स यहाँ पे फ्री फायर वाले लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे करेक्टर जैसे कि एंटोनियो करेक्टर एंड बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे करेक्टर जो निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बात करें तो यहाँ पे आप मतलब हैकर की तरह गेम प्ले दिखा सकते हो, और जी हाँ ये पेड वाला गेम नहीं बनता जा रहा है, जी हाँ मैं बता दूँ आउटपुट के लिए आप चीज़ें पे कर सकते हो, बट आपको गन स्किन के लिए आने वाले टाइम के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स वगैरह वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये जितने भी सारे गेम है इन सब के अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं होता, एंड फाइनली बात करें तो BGMI एंड पबजी दोनों इंडिया के अंदर बैन है, तो कहीं ना कहीं कंपटिटिव कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें फ्री फायर का तो एक इकलौता एकमात्र बैटल ग्राउंड गेम है जो फिलहाल इंडिया में मौजूद है, तो ये कुछ ना कुछ तरीके से कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अंदर से पार्टनर प्रोग्राम वालों की तरफ से ये लीक्स निकल के आई थी, तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर करें, बाकी यार जितने भी लोग दिख रहे हो आप मुझे बताने वाला बंडल आपको कैसा लगा बेसिकली। सो बेसिकली गाइस एक चीज़ कन्फर्म हो गई, ये न्यूज कन्फर्म है बेसिकली, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाला गाइस पिंक डायमंड, जिसके अंदर बेसिकली बात करें तो ये वाला बंडल देखने को मिलेगा एंड आपको काफी सारे आइटम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यार ये चीज़ें कन्फर्म है, जो कि काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पिंक डायमंड का, तो लोग ऐसे यहाँ पे पिंक डायमंड वाला आ चुका है सेक्शन, जो कि यहाँ पे एडवांस सर्वर के अंदर आ चुका था, एंड उसी के साथ बात करें तो डाटा माइनर भी यहाँ पे फाइनली डाल चुके हैं ये वाला पोस्ट, एंड फाइनली बता रहे हैं कि ये वाला बंडल बेसिकली आप सभी को देखने को मिलने वाला, तो गाइस एक आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है। एंड उसी के साथ यहाँ पे फीमेल का बंडल होगा, एक यहाँ पे गन स्किन होगी एसकेएस की, उसके साथ ही यहाँ पे आपको फैंटम बियर का जो बेसिकली यहाँ बंडल है ये देखने को मिलेगा आप सभी को, जो कि यहाँ पे रिडीम कोड की मदद से एक बार मिल चुका था, साथ ही ग्लोअल की स्किन जो कि यहाँ पे स्वाइड्समैन करके यहाँ पे है बेसिकली, ये वाले ग्लोअल की स्किन आप सभी को बिल्कुल ही फ्री देखने को मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे पिंक डायमंड की मदद से। और हाँ गाइस पिंक डायमंड लेने के लिए सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली आपको ऐड देख हो सकता है कि ऐड देखने को सेक्शन मिल जाए, एंड उसी के साथ एक चीज़ और है हो सकता है गाइस कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करी जाए, बस सिर्फ और सिर्फ गेम खेलो, मिशन कंप्लीट करो एंड उसके बाद क्लेम कर लो। एंड साथ ही यहाँ पे बात करें तो कुछ यहाँ पे वेपन के अंदर एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे G36 है, साथ ही यहाँ पे सेल्ड गन है, पैराफोल है, M60 है, एंड उसके साथ ही ऑग है, उसके बाद ही MSE यानी मैकटेन है, साथ ही यहाँ पे थोरगोन है शॉटगन वाली जो बेसिकली बात करें, और इन जितने भी गन की स्किन मैंने बताया आपको ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जो कि अपग्रेड करे जाएंगे, सिर्फ एकमात्र ऐसी गन स्किन होने वाली है जिसके अंदर माइनस करा जाएगा वो यहाँ पे लॉन्चर होने वाली है M79। तो भाई यार बहुत सारे यहाँ पे प्रो प्लेयर चाहे न्यू प्लेयर जो भी बोलो, वैसे बेसिकली यार सारे लोग प्रो प्लेयर ही होते हैं, बट सीखने वाली बात होती है, तो यहाँ पे
M79 के अंदर जो यहाँ पे लॉन्चर लोग बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे M79 को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक उन लोगों के लिए बात रहेगी। बाकी यार जहाँ तक बात करें तो बाकी सारी गन बहुत सारी है जिसके अंदर यहाँ पे एटरबोर्ड्स के अंदर चेंजेस करे गए हैं। एंड उसी के साथ बात करें तो M79 कहाँ उतनी मिलती है भाई, मिलती है तो ड्रॉप में मिलती है, एंड नहीं मिलती है तो भाई यार क्या फायदा, अपन को तो कोई फायदा नहीं, अपन लॉन्चर यूज़ करता नहीं है। तो आप लोग करते नहीं कमेंट में लिख के जरूर से बताना। सो बेसिकली कैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे फ्री के रेयर आइटम के बारे में, जिसके अंदर बात करें तो यहाँ पे डीजे आलोक करेक्टर एंड साथ ही यहाँ पे आपको मैजिक क्यूब बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। और बेसिकली ये कैसे देखने को मिलेगा तो गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 11 तारीख को अपडेट के बाद से कुछ यहाँ पे गेम के अंदर इंटरफेस लाया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली बात करें तो कुछ बबल होंगे। एक्चुअली बात करें तो उन बबल्स को यहाँ पे मतलब गेम खेल खेल के उन मिशन को कंप्लीट करके बबल को एक्टिवेट करना है, मतलब क्लेम करना है, एंड क्लेम करने के साथ ही उसके मदद से आप यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो जो कि रेयर आइटम होने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर बात करें तो जी हाँ मैजिक क्यूब होगा, डीजे आलोक करेक्टर, उसके साथ ही 2-3 करेक्टर इधर उधर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ पैरासूट वगैरह होंगे, वेपन रोल वाउचर, डायमंड रोल वाउचर एंड गोल्ड रोल वाउचर, साथ ही इनक्यूबेटर के भी वाउचर इसके अंदर डाले गए। तो ये चीजें आप इसके मदद से ले सकते हो जो कि गेम के अंदर 11 तारीख के बाद देखने को मिलने वाले हैं। अब यही नहीं गाइस यहाँ पे बात करें यहाँ पे फ्री यहाँ पे इमोट के बारे में कि क्या यहाँ पे वाकई में आप सभी को यहाँ पे फ्लैग इमोट फ्री में देखने को मिलने वाला है, वो भी गिल्ड टोकन के अंदर। तो जी हाँ गाइस आपको मैं बता दूं यहाँ पे 11 तारीख के बाद यहाँ पे गिल्ड टोकन का सेक्शन जो है बेसिकली वो आएगा एंड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेसिकली आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है फ्लैग इमोट देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे फ्लैग इमोट ले सकते हो। साथ ही वहाँ पे उसके अंदर और भी कुछ बंडल्स वगैरह अपडेट देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे बात करें तो, एंड बंडल कुछ अलग अलग तरीके के देखने को मिलने वाले, जितने भी सारे पुराने बंडल थे जिसके अंदर सेल्फी वाला इमोट था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपको रिटर्न देखने को मिल सकती हैं। साथ ही गाइस यहाँ पे बात करें तो आपको मैजिक क्यूब तो लिटरली इसके अंदर डाला जाएगा, क्योंकि यार एक मैजिक क्यूब से सिर्फ एक ही बार परचेस कर सकते हो, दोबारा आप परचेस नहीं कर सकते, ये सेक्शन भी इसके अंदर डाला जाएगा। सो बेसिकली हम गाइस यहाँ पे बात करें कुछ यहाँ पे फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में, तो गाइस जैसे अपडेट यहाँ पे आ जाता है तो बहुत सारे आइटम्स जैसे कि इमोट्स वगैरह नए नए आने वाले, बंडल नए नए आने वाले हैं, साथ ही यहाँ पे कुछ करेक्टर जो कि आ रहे हैं यहाँ पे जो कि बेसिकली फ्री में देखने को मिलने वाले, यहाँ पे ग्लोअल की स्किन आपको फ्री में देखने को मिलने वाली है। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली बात करें तो जैसे यहाँ पे अपडेट कंप्लीट कर लेते हो देन गाइस आपको एक इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर गाइस आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बात करें तो एक इमोट फ्री में देखने को मिल सकता है आपको, साथ ही साथ यहाँ पे एक करेक्टर जो कि डीजे आलो करेक्टर की बेसिकली हम बात करें तो ये देखने को फ्री में मिल सकता है। एंड साथ ही बात करें तो यहाँ पे गाइस आप सभी को वेपन रोल वाउचर तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉग इन करने के साथ ही देखने को मिलने वाले हैं, एंड साथ ही यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी की स्किन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स वगैरह तो नहीं होगी, कोई स्किल्स वगैरह उसके अंदर नहीं होगी, कोई एट्रीब्यूट्स बेसिकली बात करें तो नहीं होगी। बाकी गाइस पे बात करें तो इतने सारे रिवॉर्ड्स आपको फ्री में देखने को मिलने वाले हैं जो कि 11 तारीख के बाद आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मुझे बताना वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, एंड यार आप लोग फ्यूचर में किस तरीके का अपडेट चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, कि आप लोग चाहते हो आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस, लाइक आप सभी को हेडशॉट की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है एंड फ्री फायर के अंदर रिलेटेड अलग अलग जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है उस तरीके का वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर कोशिश करूंगा उस तरीके बनाने का, ज्यादा सीधा ऑडियंस बोलेगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो देखकर मजा आएगा, लाइक कर देना, चाहता हूँ इस पर।